हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो अभी मुझे जाना पड़ा अचानक से जयपुर, और जयपुर क्यों जाना पड़ा, मम्मी के घर, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। थोड़ी सी खुशियाँ, थोड़े से गम, थोड़ी सी टेंशन, इन सबको लेके चल पड़ी हूँ मैं जयपुर के लिए। और फाइनली फिर मैं ट्रैवल करके और पहुँच चुकी हूँ मम्मी के घर, जहाँ पे मुझे मिलती है हमारी प्यारी सी कॉफी, जो आते ही वेलकम कुछ इस तरह करती है हम सबका। खुश हो जाती है मुझे बस 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 ओके। तो विनी जीजा आए हुए थे घर पे, चिया और विनी जीजा वो लोग आज जा रहे थे, तो वो जब निकलने वाले थे उससे पहले ही मैं घर पे आ गई थी, तो इनसे भी मेरा मिलना हो गया। आजा आजा ले 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 ले। ओ बिट्टू, ओपन योर माउथ। विनी जीजा के बेबी होने वाला है, तो इनको जाना था ससुराल, इसलिए बस मेरे आते ही ये लोग निकल गए थे, तो टाइम आ गया है इनको बाय। ये लो आपकी गाड़ी। किसकी गाड़ी है? जय माता दी। जय बाय। ओ नो, ओ नो, जल्दी मिलेंगे। बाय। नन्ना मुन्ना लेके आना आप गोद में, वापस करो। बाय। सो हेलो गाइज, मैं पहुंच चुकी हूँ मम्मी के घर, और घर की ऐसी हालत हो रही है कि आपको बता नहीं सकती। मतलब घर पे काम चल रहा है, तो पूरा घर फूटा हुआ पड़ा है, बाहर बजरी सीमेंट वगैरह पड़ी है, और मम्मी की तबीयत ख़राब है, तो अभी वो हॉस्पिटल है और अभी आएंगे हॉस्पिटल से, तो जब देखते हैं कैसे क्या है उनकी तबीयत। और अभी मैं खाना बना रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है, पापा है, मैं हूँ, और भाई मम्मी को लेके हॉस्पिटल गया है, तो मम्मी आ गई है। आउट हो गई है। तो होप सो सब अच्छे होंगे। तो आज अभी मैं आई हूँ मम्मी के घर, मतलब जयपुर, और हमारे गांव में यहाँ पे भागवत कथा हो रही है, तो मैं वहाँ पे जा रही हूँ। तो अभी मैंने ये ड्रेस पहनी है। अभी आप लोग देख सकते हैं घर पे कितना सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा है, बच्चे खेल रहे हैं, और अभी थोड़ी मम्मी की तबीयत ठीक होने के बाद में हम लोगों को जो भाई की सगाई हुई थी, तो उसके बर्तन बंटवाते हैं बहन बेटियां, और गीत भी गाते हैं, तो इस वजह से दोनों बुआ सहुर भी आए थे और हम सब सिस्टर्स आए थे। तो शाम को फिर हम लोग खाने की तैयारी करते हुए सब्जियाँ वगैरह काट रहे थे बुआ सहुर, तो सब लोग बाहर ही बैठे थे, बहुत सारे गप्पे लड़ाए, सब ने बातें करी, और मम्मी की भी तबीयत अब ठीक थी थोड़ी बहुत,
तो क्योंकि वो उनको एडमिट हुए 3-4 दिन हो गए थे हॉस्पिटल में, तो हम लोग जब आए थे उसके एक दिन पहले ही वो घर पे आ गए थे। तो ये हम लोगों ने फिर खाना बनाया, ये सब्जी थी मिक्स वेज, ये गांव वाली राबड़ी थी, और ये नमकीन चावल, और ये बनाया है सोयाबीन की सब्जी, और ये बुआ सा मीठे चावल बना रहे हैं। तो वो कुछ सून होते हैं अगर अच्छा काम होता है घर में तो मीठे चावल बनते हैं, तो बुआ सा चावल बना रहे थे सारे जीजा, और कोई सब्जी बना रहा था, कोई रोटी बना रहा था, मैं बस वीडियो बना रही थी। तो आप देख सकते हैं कैसे सब लोग काम में लग रहे हैं। ये मेरे छोटे बुआ सा है ये मेरे, और ये बना रहे चावल। और अब खाना कंप्लीट हो चुका था, बस रोटी बननी बाकी थी, तो वो मोना जीजा संजय जीजा वो लोग बना रहे थे, और फिर बच्चों ने खाना खाया, और बच्चे भी सारे आए हुए थे, तो यस मतलब बहुत सारे लोग हो गए थे घर में। हेलो पीहू, तो इन सब बच्चों ने खाना वाना खाया। हेलो रिद्धि, हेलो मुन्नू, हेलो वंश, हेलो उज्जवल, हाय देख, हेलो पिकू, हेलो, अच्छा बोल आई लव यू, आप बोल, आप गीत वीत गा लिए थे, और फिर हो गई थी मॉर्निंग। तो मॉर्निंग में सब बुआ सा और बड़े मम्मी और ये 9 माँ को बुलाया था हमने, क्योंकि हमको बर्तन बंटवाने थे और लड्डू वगैरह गुड़ वगैरह बंटवाना था, तो ये भी आ गए थे। तो ये सब बस वो ही मतलब वो कर रहे थे कि कौन कौन से घर में देना है एंड ऑल, तो ये सब बंटवाए थे हम 5 सिस्टर्स ने, और बड़े पापा वाली सिस्टर्स ने, और मतलब मेरी कजिन्स ने, और ने। क्या है ये? शंख। शंख बोलते हैं इनको। ये किस में से मिले? बजरी। क्या? बजरी है में। बजरी में से? ये क्या है? शंख। ये किस में से ढूंढे? ये किस किस ने ढूंढे? मैंने। ये क्या है? ये शंख। ये किस में से निकले? ये बजरी में से। बजरी में से निकले। अब आप लोग भी कमेंट करके बताना कि बचपन में कौन कौन ढूंढता था बजरी में खेलते हुए, क्या बोलते हैं इनको? शंख। फिर हम लोग गए टाइल्स चूज करने, क्योंकि घर पे काम चल रहा है, तो रूम वगैरह में सब जगह पूरे घर में टाइल्स लगवानी है, तो वो फिर हम लोग डिसाइड करने गए। तो फिर हम लोगों ने फाइनल करी वाइट वाली टाइल्स। ये सब वहाँ पे बहुत सारा कलेक्शन था, तो काफ़ी टाइम लग गया चूज़ करने में, पर फिर ये जो वाइट वाली फर्स्ट रो में सेकंड नंबर वाली जो टाइल्स है वो ये वाली हमने सेलेक्ट करी। सो थैंक्स फॉर वॉच।